Here it is. Hello guys, welcome back to our channel. So this is my first tech review video. So आज आपको दिखाऊंगा एक नया product. This is called Ray-Ban Meta Glasses. Let's do the unboxing. So this one uses regular Type-C port. So आपका Android या normal iPhone 15 में आता है, so that's the same port they use here. You can just charge the case, यहाँ से charge कर सकते हैं, and this will hold up to 32 hours of charge. 50% के लिए it will take around 20 minutes और पूरा चार्ज होने के लिए around 1 hour. Here it is. तो जब मैं पहनता हूँ so instantly वो एक notification देता है it has 100% charge. तो आप इसको स्मार्ट ग्लास बोल सकते हैं या स्पीकर ग्लास बोल सकते हैं या कैमरा ग्लास बोल सकते हैं. तो ये देखने में नॉर्मल ग्लास जैसे दिखता है. सो अगर ठीक से देखेंगे यहाँ पर आगे में दो छोटे छोटे कैमरे हैं. अराउंड 4 आवर्स ऑफ बैटरी फॉर 1 यूसेज. सो बेसिकली आप गाना सुन रहे हैं या फोटोज खींच रहे हैं और नॉर्मल यूज इट विल गिव अराउंड 4 आवर्स. तो जो ये जो केस है दिस इज नॉट ए रेगुलर केस, ये है स्मार्ट केस. सो यू कैन पुट योर ग्लासेस इन द केस and this will charge the glass. So अगर you आप continuous glass use कर रहे हैं और charge ख़त्म हो गया then you can put it back and you can charge up to 8 more times. So it has 12 megapixel camera, it has 2 cameras in the front and it has 5 speakers. यहाँ पर speakers है इसका. यहाँ से एक छोटा सा button है, you can see here there is a button. This we can use to control, take photos or videos. और यहाँ पर थोड़ा टच पैड है, सो यू कैन कंट्रोल म्यूजिक, टेक कॉल्स एंड इट हैज 32 GB इंटरनल मेमोरी एंड देर इज़ नो ऑप्शन टू अपग्रेड द मेमोरी, देर इज़ नो स्लॉट और एनीथिंग. सो यू कैन इंसर्ट द मेमोरी कार्ड, सो यू आर लिमिटेड टू 32 GB. सो विद दिस 32 GB यू कैन रिकॉर्ड अप टू 100 वीडियोज ऑफ 30 seconds लेंथ और यू कैन टेक अप टू 500 फोटो. सो इसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट 4:3 फॉर्मेट होता है. यू कैन टेक वीडियोस इन 16:9 फॉर यूट्यूब फॉर्मेटिंग. सो बेसिकली इट्स ओनली यूज फॉर इंस्टा और फेसबुक. पूरा सेटअप मेटा के ऐप से होता है. सो देयर इज अ वन ऐप कॉल्ड मेटा ऐप. इसका अच्छा फीचर है, सो यू कैन बेसिकली टेक फोन कॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लासेस. सो अब जस्ट वेयर द ग्लास एंड यहाँ पर दो स्पीकर है और इनबिल्ट माइक है. देन यू कैन बेसिकली यूज दिस टू टेक एनी रेगुलर कॉल्स. और एक अच्छा फीचर है, इट विल कनेक्ट टू योर व्हाट्सएप ऑल्सो. सो आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर सकते हैं. सो जो जिससे आप बात कर रहे हैं, सो ही कैन सी व्हाट आर यूर लाइव स्ट्रीमिंग समथिंग एंड यू वांट्स टू स्ट्रीम डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लासेस. सो यू कैन स्ट्रीम अप टू 30 मिनट्स कंटिन्यूसली. अगर आप एप्पल म्यूजिक या अमेजन म्यूजिक या स्पॉटिफाई यूज़ कर रहे हैं, सो दैट विल बी वन ऑफ द गुड फीचर वेयर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट द ग्लासेस विथ एप्पल म्यूजिक. सो ये वाला है स्काइलर मॉडल. द पॉपुलर वन इज द वेफेयर, जो आप जिसको आपको पता होगा वेफेयर इज़ वेरी पॉपुलर बाई Ray-Ban. दैट इज़ वन ऑफ द मॉडल्स. सो दिस वन इज क्लियर ग्लास एंड नॉन पोलराइज. मगर आप अगर सन में जा रहे हैं तो दिस विल ट्रांजिशन टू ए ब्लू. सो दिस इज क्लियर टू ब्लू ट्रांजिशन लेंस. ग्लासेस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो बेसिकली इट्स ओनली अवेलेबल ओनली इन US और कैनेडा एंड फ्यू अदर कंट्रीज. So coming to the price point, so this one is around, इसका range रहता है based on the model, whether it's a polarized or non-polarized, or based on the design, आपका wafer model ले रहे हैं या Skylar ले रहे हैं. So it ranges from 299 to 379 US dollars. So अगर इंडिया में आप convert करेंगे around 33,000 आ रहा है इसका conversion rate. अगर आप इसको normal glasses से compare करेंगे, अगर suppose Ray-Ban का कुछ model आप देखेंगे तो नॉर्मल वेफेयर का अराउंड 200 या 250 रेंज में आता है.
तो अगर आप एक्स्ट्रा $100 या $150 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपको स्मार्ट ग्लासेस मिल रहा है, तो दैट्स वेरी नाइस. सो प्राइस पॉइंट मुझे अच्छा लगा, तो इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू नॉर्मल ग्लासेस. और एक अच्छा इनबिल्ट फीचर है इसका, मेन फीचर है मेटा एआई, सिमिलर टू सीरी और एलेक्सा जो आप यूज़ कर रहे हैं. हे मेटा, हाउ इज़ द वेदर टुडे? तो उसने बोल दिया यहाँ पर अराउंड 26 डिग्रीज है. सो इट जस्ट टेक द करंट लोकेशन बेस्ड ऑन द ग्लास लोकेशन और वहाँ का आपको प्रिडिक्शन देता है. सो एआई का और एक अच्छा फीचर है, लेंस से कुछ देख रहा हूँ, उस मेटा को पूछूँगा, हे मेटा व्हाट इज दिस बिल्डिंग? तो अपने आप वो एक फ़ोटो लेके उसको स्कैन करके उसका पूरा डिटेल दे देगा. कुछ कार देखा मैं उसको, हे मेटा व्हाट कार इज दिस? तो वो पूरा इंस्टेंटली एक फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके आपको पूरा एग्जैक्ट एक्यूरेट मॉडल बोल देगा. हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग. यहाँ पर एक छोटा सा लाइट ब्लिंक होगा, सो जस्ट टू गिव एन इंडिकेशन दैट इट इज़ रिकॉर्डिंग. आप किसी को ऐसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सो वो उसको सामने वाला देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है. जस्ट फॉर प्राइवेसी पर्पज़ ये वाला फीचर दिए हैं, यू कांट जस्ट यूज लाइक एनी स्पाई कैम कैमरा. उसका बिल्ड भी पूरा स्ट्रांग है, सो इफ यू कैन सी दिस फ्रेम इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग. सो दिस इज़ ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस, तो बारिश में थोड़ा पहन के घूम सकते हैं, ऐसा कि नहीं आप पूरा पानी में गिरा सकते हैं. कमिंग टू प्रोस एंड कॉन्स, एक चीज़ तो अच्छा है इसका, ग्लासेस पहनो और वहाँ आप जस्ट यू कैन रिकॉर्ड नॉर्मली विदाउट एनी हैंडल डिवाइस. और बैटरी बैकअप इज़ डिसेंट, अराउंड 4 आवर्स ऑन नॉर्मल यूज़. आप कॉल्स ले सकते हैं हैंड्स फ्री. एंड कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, इसका फॉर्मेट लिमिटेड है, जस्ट इसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट 4:3 है. यूट्यूब फॉर्मेट में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करना है अभी उसका ऑप्शन नहीं है. स्टोरेज इज जस्ट 32 GB, जस्ट इन केस आपको एडिशनल स्टोरेज चाहिए, मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है, तो उसका ऑप्शन नहीं है इसमें. तो ये है फुल रिव्यू ऑफ मेटा ग्लासेस. होप यू लाइक इट. कमेंट कीजिए जो आपको क्वेश्चन है इसके बारे में. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कुछ भी चाहिए आपको रिव्यू, देन आई एम रेडी टू डू दैट. सो आप कमेंट में लिख दीजिए कौन सा प्रोडक्ट आप का रिव्यू देख चाहते हैं.